तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स खुल चुका है और दोस्तों ये जो बॉक्स है इसके अंदर मेनली तीन प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले है आता है ये है ऑक्सेलो की MF 500 की हेलमेट और इसकी पैकेजिंग भी बढ़िया है, बबल रैप से रैप किया गया है इसको। तो इसको सबसे पहले साइड पर रखते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों ये है ऑक्सेलो के FIT 500 के गार्ड से है। इस पर एक्चुअली दोस्तों नी गार्ड, एल्बो गार्ड और पाम गार्ड है इसके अंदर। और फाइनली दोस्तों ये है मेन इनलाइन स्केट जो कि ऑक्सेलो के MF 900 और इसके कलर दोस्तों अर्बन ग्रीन है इसका कलर। तो चलिए इस बॉक्स को आप साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेन स्केट पे। तो दोस्तों ये है ऑक्सेलो के MF 900 इनलाइन स्केट जो कि एडल्ट एडवांस इनलाइन स्केट है और इसके प्राइस है दोस्तों 9,999 रुपये, यानी कि लगभग 10,000 के आसपास इसके प्राइस है। तो चलिए वन बाय वन इन स्केट का सभी डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली 3 व्हील इनलाइन स्केट है दोस्तों और इसका जो व्हील है वो दोस्तों 110 mm का व्हील है ये। और यहाँ पर दोस्तों ABEX 7 का जो बियरिंग है वो यूज़ किया गया है यहाँ पर। और इसके व्हील पे के व्हील को पकड़ने के लिए जो फ्रेम है दोस्तों ये थिक एल्युमिनियम फ्रेम है एक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं दोस्तों मेन बॉडी पे। तो दोस्तों ये जो स्केट है एक हार्डवुड स्केट है, इसका मेन फ्रेम जो है वो हार्ड प्लास्टिक से बनाया हुआ है जो कि बहुत ही हार्ड है। और इसका साइज जो है दोस्तों ये मेरा साइज है दोस्तों शू साइज है 8, तो मैंने 8 साइज ही लिया है जो कि UK और इंडिया के साइज है और 42 है जो कि यूरोपियन साइज है इसका। तो यहाँ पर साइज भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पर। और इसके अंदर के जो पोर्शन है दोस्तों यहाँ पे थिक कॉशन दिया गया है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सामने इस तरफ है दोस्तों ऑक्सेलो का लोगो है इस तरफ। और इस तरफ दोस्तों ट्रिपल टाइटनिंग जो स्ट्रैप है वो दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों शूलेस पे। तो यहाँ पे एक शूलेस दिया गया है, उसके बाद ये है फास्ट स्ट्रैप जो कि आपके फीट जो है उसको स्केट के साथ एकदम पकड़ के रखेगा मजबूत से ये। और ये है दोस्तों दूसरा स्ट्रैप जो कि आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है पैर का उस पोर्शन को शू के साथ अटैच करके रखेगा। और नीचे की इस तरफ यहाँ पे देख सकते हैं ये है दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर। तो अगर आप स्टंट करते हैं या फिर रफ सरफेस पे स्केटिंग करते हैं तो जो छोटे मोटे झटका जो है वो महसूस उतना नहीं होगा, तो यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं हर एक शू के साइड पे यहाँ पे थिक प्लास्टिक दिया गया है जो कि इस फ्रेम को प्रोटेक्शन देगा। अगर आप गिर भी जाए तो ये जो शू है हार्ड बूट के शू पे उतना स्क्रैच नहीं आएगा, ये थिक क्लिप जो है ये प्रोटेक्ट करेगा आपका जो हार्ड बूट है उसको। और दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अंदर का जो पोर्शन है यानी कि ये जो कॉशन है इसको अगर आप पकड़ के बाहर निकले तो अंदर से एक सॉफ्ट बूट निकल आते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप जो सॉफ्ट बूट है अंदर के वो निकल सकते हैं। तो अगर आप बहुत दिन से इस स्केट को यूज़ करते हैं तो अगर बैड स्मेल आ रहा है तो इसको निकल के आप धूप में दे सकते हैं या फिर इसको साफ भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको धूप में सुखा कर फिर अंदर इसको कुछ इस तरह से डाल सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों इस स्केट के साथ एक हील ब्रेक और एलन की और कुछ स्क्रू आते हैं जो कि मेरा जो स्केट है उस पर मिसिंग है। तो मैं मेल करूँगा और देखूँगा कि क्या क्या होता है नेक्स्ट, क्योंकि ये जो हील ब्रेक होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हील ब्रेक जो कि शू के पिछले हिस्से पे पाया पे लगाया जाता है जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ब्रेक लगाने के लिए। और इसके साथ आते हैं दोस्तों दो एलन की आते हैं और कुछ स्क्रूज आते हैं जो कि इस हील ब्रेक को इस शू पे अटैच करने के लिए हेल्प करता है। तो वो मेरा इस स्केट पे नहीं आया है, तो देखता हूँ मेल करके क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ, वो जो हील ब्रेक है वो मुझे मिला कि नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों आप आते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट पे। तो सबसे पहले आता है सेफ्टी गार्ड के। तो दोस्तों ये जो है ये है FIT 500 सेफ्टी गार्ड है ये। और दोस्तों इसका जो साइज़ है दोस्तों वो है मीडियम साइज़
जो कि 50 से लेकर 75 केजी तक और 150 से लेकर 185 सेंटीमीटर तक हाइट के लिए ही है। और दोस्तों मेरा जो वेट है वो है 70 केजी प्लस और मेरा हाइट है 167 सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैं मीडियम ऑर्डर किया हूँ। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 1999 रुपये, लगभग 2000 के आसपास इसका प्राइस है। तो चलिए आप इसको खोल के देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकलते हैं दोस्तों दो नी गार्ड है यहाँ पे, तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यह है दोस्तों दो एल्बो गार्ड और यह है दोस्तों दो पाम गार्ड है यहाँ पे ये। तो दोस्तों ये तो हो गया सब गार्ड, अब आते हैं हेलमेट पे दोस्तों। तो दोस्तों ये है ऑक्सेलो के MA 500 हेलमेट और इसके प्राइस जो है दोस्तों वो है 1399 रुपये, यानी कि लगभग 1400 रुपये इसके प्राइस है। और इसका कलर जो है दोस्तों ये है मैट ब्लैक कलर। और ये जो हेलमेट है दोस्तों ये पहन के आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्केटबोर्ड पे चढ़ सकते हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं आप। इसका ऊपर का कवर जो है दोस्तों ये ABS सेल कवर है। और दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वेंट्स दिया गया है ताकि हवा अंदर और बाहर जा सके और आपको कंफर्टेबल महसूस हो यहाँ पे। और दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को मिलता है साइज एडजस्टमेंट डायल, तो इसको घुमा के आपका जो साइज है हेलमेट का उसका कम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों सामने की तरफ यहाँ पे है एडजस्टेबल स्ट्रैप जिसको आप बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं और आपके जो कम्फर्ट है उसके हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। तो चलिए आप इन सभी गार्ड्स और हेलमेट को पहन के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो नी गार्ड है, तो सबसे पहले इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन साइड का कौन सा गार्ड है वहाँ पे लिखा है लेफ्ट या राइट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे दो साइड पे दो वेल्क्रो स्ट्रैप है, तो इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर एक होल है, तो इसके अंदर आपको पैर को डालना है कुछ इस तरह से और इसको पहन लेना है। आप ये जो वेल्क्रो स्ट्रैप है इसको लगा देते हैं कुछ अच्छे से, खुद की कंफर्ट के हिसाब से इसको टाइट करना है। तो ये हो गया, ये राइट लेग पे हो गया ये, और दूसरा पैर पे भी लगा लेते हैं। तो ये दोनों पैर पे भी हो गया। इसका फिटिंग दोस्तों बहुत ही अच्छा है और कंफर्टेबल भी है ये। अब दोस्तों स्केट बूट जो है वो पहन लेते हैं, तो सबसे पहले इसको पहन लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले फास्ट इस स्ट्रैप को खोलना है, तो उसके लिए इस पार्ट को कुछ इस तरह से पुश करना है और इसको खोल लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ऊपर के भी कुछ इस तरह से खोल लेना है, सबसे पहले इसको ऊपर करना है और इसको निकाल लेना है। तो ये खुल गया दोनों स्ट्रैप, और सुलेस को भी खोल लेता हूँ, ये खुल गया। तो अब इसको पहन लेता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले सूलेस को अच्छे तरह से टाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये अच्छे तरह से टाइट हो गया। अब इस फास्ट स्ट्रैप को दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से डालना है और डालने के बाद दोस्तों ये आपकी कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कितना टाइट करना चाहते हैं आप। तो ये हो गया फास्ट स्ट्रैप। अब दूसरी स्ट्रैप को कुछ इस तरह से यहाँ पर डालना है, ये डाल दिया कुछ इस तरह से इसके अंदर। उसके बाद इस साइड का जो लॉक है उसको पहले कुछ इस तरह से खोल लेना है और उसके बाद जितना हो सके इसको मैक्सिमम अंदर की तरफ इसको डाल देना है। मैक्सिमम जाने के बाद इसको पीछे से कुछ इस तरह से लॉक कर देना है बस। तो ये हो गया एक पैर पे। तो चलिए दूसरे पैर पे भी पहन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों पैर पे जो स्केट है वो पहन चुका हूँ ऑलरेडी। और दोस्तों अगर इसकी वेट की बात करें तो ये बहुत ही हीवी है, इसका वेट लगभग है 3.6 kg। तो चलिए आप दूसरा गार्ड भी अप्लाई कर लेते हैं, एल्बो गार्ड, पाम गार्ड और हेलमेट अप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है दो एल्बो गार्ड, तो इसको पहनने के प्रोसेस भी सेम है, एकदम जो नी गार्ड पहनने थे हम लोग ठीक उसी तरह से ये इसको भी पहनना है। तो सबसे पहले ये वेल्क्रो स्ट्रैप खोल लेना है और इसका भी लेफ्ट राइट दोनों लिखा हुआ रहता है, और ये खोल के वेल्क्रो स्ट्रैप खोल के अंदर कुछ हाथ को इस तरह से डालना है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इसको। और उसके बाद जो स्ट्रैप है उसको अपने हिसाब से लगा देना है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया एक हाथ के। तो चलिए आप दूसरे हाथ के भी पहन लेते हैं। तो दोनों हाथ का ये हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका फिटिंग्स भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आप पाम गार्ड पहन लेते हैं।
सबसे पहले इसका भी स्ट्रैप खोल लेते हैं, और इसका भी लेफ्ट और राइट साइड है तो इसको खोल लेना चाहिए सबसे पहले। तो ये खुल गया। उसके बाद क्या करना है, आपका जो थंब है तो वो इस होल पे कुछ इस तरह से डालना है। उसके बाद ये जो दो स्ट्रैप है वन साइडेड है, और एक मिडिल वाला जो स्ट्रैप है वो अपोजिट साइड का है। तो सबसे पहले मिडिल वाला स्ट्रैप को लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और साइड वाला स्ट्रैप उसके बाद लगा लेता हूँ। तो चलिए आप दूसरे हाथ पे भी पहन लेते हैं। तो ये हो गया दोनों हाथ पे पहनना। अब दोस्तों ये हेलमेट पहन लेते हैं। तो चलिए इसको पहन के दिखा देते हैं। और पीछे ये एडजस्टेबल डायल है। तो यहाँ हेलमेट पहन लिया दोस्तों, और नीचे और पिछले वाला जो एडजस्टेबल डायल है उसको घुमा के कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और सामने के स्ट्रैप इसका साइज भी ठीक ठाक है, स्ट्रैप लगा लेता हूँ। तो ये हो गया सब कुछ रेडी, सब गार्ड्स पहन के रेडी हो गया हूँ। तो चलिए आप बाहर जाते हैं और देखते हैं स्केट को पहन के फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जंगल पे। तो ये जंगल के बीचों बीच एक रोड है जो कि उतना जैम नहीं रहता है, इस रोड पे उतना गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, ये वीडियो ऑन करने से पहले मैं एक बार गिर चुका हूँ, और बहुत ही गंदे तरह से गिर चुका हूँ। तो इस टाइम पर तो फिलहाल अपने पैर पर खड़ा हो गया है, तो बैलेंस तो थोड़ा सा आ रहा है। यहाँ पे बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो स्केट है ट्राई कर रहा हूँ लाइफ की फर्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस तो आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 20 मिनट हो चुका है, और मैं लगभग 1 मीटर से भी ज़्यादा नहीं जा पाया हूँ यहाँ पे। तो ये दोस्तों बहुत ही हार्ड है, बैलेंस रखना बहुत ही हार्ड है, और आगे बढ़ना तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है। तो देखते हैं कितना दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं स्केटिंग कर सकता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं स्केटिंग करना सीख जाऊँगा, और उस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस तरह से मैं स्केटिंग करना सीखा हूँ, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।